जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके सामने एक नई औषधि लेकर के आए हैं, केले का छिलका। अमूमन आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि केले का छिलका, हम लोग खाते हैं केला और छिलके को फेंक देते हैं कचड़े में, लेकिन कितना उपयोगी होता है उस केले का उतारा हुआ छिलका, ये हम आपको बता रहे हैं। किन किन चीज़ों में काम आता है, उपयोग कैसे किया जा सकता है, या यूँ कहें सदुपयोग कैसे किया जा सकता है केले के छिलके का। अगर आपकी बॉडी पर कहीं दाने हों या जला हुआ हो, तो उस जगह पर दोस्तों अगर आप केले के छिलके को लगाते हैं तो दाने या जलन कम हो जाती हैं दोस्तों, कंट्रोल हो जाते हैं, वो दब जाते हैं और आपकी बॉडी सही हो जाती है, जलन पे राहत मिलती है। केले का छिलका बहुत ही उपयोगी होता है जलन या दानों पर दोस्तों। केले के छिलके का एक अन्य लाभ जो है सबसे मुख्य, वो है ये दोस्तों कि आप का अगर सर दर्द हो रहा हो तो केले के छिलके का लेप बनाइए, यानी कि उसको कूट लीजिए, उसका लेप सर पे अगर आप लगाएंगे तो क्या होता है उससे कि आपकी धमनियों में वो पहुंच करके रिलैक्सेशन पहुंचाता है, उस रिलैक्सेशन की वजह से आपका सर दर्द कंट्रोल हो जाता है, सिर का दर्द गायब हो जाता है। केले के छिलके का एक अन्य लाभ है दोस्तों, दांतों को व्हाइट करना, उजला करना, साफ करना, दांत पीले नहीं रह जाते हैं। ये भी एक आम समस्या है दोस्तों कि हम सोचते हैं कैसे हमारे दांत उजले हो जाएं, चमकीले हो जाएं। अब क्यों कर देता है केला ये जानिए, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज की मात्रा होती है। इससे क्या होता है, जब हम अपने दांतों पर रगड़ते हैं तो हमारे दांत जो होते हैं वो क्लीन और बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, पीलापन दूर हो जाता है, यानी कि पायरिया भी खत्म हो जाता है इससे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ केले का छिलका, अगर आपकी झुर्रियाँ आने लगी हैं आँखों के नीचे या चेहरे पे, उसमें भी ये रामबाण की तरह काम करता है। करना क्या है आपको कि केले के छिलके को बारी कर लेना है, मिक्स कर लेना है आपको, और उसका लेप चढ़ाना है 20 मिनट तक, या यूँ कहें सूखने तक उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद 10 से 15 मिनट बाद अपनी स्किन को वापस धो लीजिए। इससे क्या होता है कि चेहरे की ताजगी, यानी कि ये बॉडी की जो हमारे त्वचा में, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उसकी स्पूर्ति कर देता है, जिससे कि आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अंडे की जर्दी में केले के छिलके को मिक्स करके अगर आप अपने मस्से पे लगाते हैं तो मस्सा वहीं पे रुक जाता है, वो बंद हो जाता है, गायब हो जाता है, या मुहांसे निकल रहे हों उस पे अगर उसका लेप आप लगा देते हैं तो मुहांसे गायब हो जाते हैं। ये भी एक आम समस्या है, सभी को होती है, तो इसके लिए ये रामबाण इलाज है। करना क्या है आपको, अंडे की जर्दी में आपको केले का छिलका मिक्स करना है और उसको मस्से या मुहांसे की जगह पे लगाना है, सूखने तक उसको छोड़ दीजिए, इसके बाद उसको वापस धो लीजिए। ये आपको रामबाण की तरह काम करेगा, आपका मस्सा या आपका मुहांसा छूमंतर यानी कि गायब हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, अगली बार हम आप सबको एक नए टॉपिक पे मिलेंगे। नई जानकारियों के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।